आज मैं एक स्टोरी बोलने वाली हूँ। एक छोटी सी लड़की थी, उसका नाम सीमा था। उसने अपने लिए मॉडलिंग के लिए से उसने बनाया काले कटलेट्स। इसके बाद उसने बनाया गेहूँ का दलिया। अब उसने अपने डॉलों को बिठाया और खाना परोसा। इसके बाद उसने भी पेट भर के खाया। इसके बाद वो सोने चली, पर उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसके पेट से अजीब अजीब सी आवाज़ें कर रही थी। इसके बाद वो अपनी मॉम को बताने चली थी, लेकिन उसको डर था अगर उसने अपने मॉम को बता दिया तो उसकी मॉम फौरन डॉक्टर को फ़ोन कर देगी। इसके बाद उसने कहा, मेरा पेट बर्दाश्त करना सीख जाएगा। इसके बाद उसने कुछ आवाज़ें सुनी। इसके बाद उसने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं है, पर बस एक पोर्सिलन डॉल, उसकी डॉल लुइसा खड़ी थी। इसके बाद उसने देखा कि लुइसा के आँखों से आंसू बह रहे थे। इसके बाद उसने बेड के नीचे किसी को रोते हुए देखा। सीमा नीचे झुकी। इसके बाद उसने देखा कि इसका टेडी बियर बेड के रो रहा है। उसने बोला, ओ मेरा पेट दर्द कर रहा है। इसके बाद हर तरफ से उसके डॉल्स चिल्लाते हुए पेट दर्द कर रहे हैं। उनके भी पेट दर्द कर रहे थे। उन्होंने कहा, सीमा जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, तुम्हारा दलिया और कटलेट्स खा के हमारा पेट दर्द कर रहे हैं। इसके बाद वो डर गई। इसके बाद उसने सोचा, अब हमारा क्या होगा। उसने अपने डॉलोस को समझाया, पर वो नहीं समझ पा रहे थे। अब सीमा के पेट में इतनी गड़बड़ थी कि उसके आँखों में आने लगे ब्लू गोले और कुछ ऑरेंज धब्बे, और उसने देखा ग्रीन बादलों में उड़ने वाले ग्रीन ड्रैगन्स, और वो भी डोनट्स खाते हुए। सीमा को बस ये सोचने का वक्त मिला, देखो वो ड्रैगन्स कितने सुंदर है और कितने सारे डोनट्स खा रहे। वो तो एक सपना था, सीमा ने बस सपना देखा था। इसके बाद उसने ना जाने वो कितने देर से सुन गए, आखिर सीमा जाग गई। इसके बाद उसने सोचा कि ये अजीब सी कमरे में, ये सफ़ेद दीवारों वाले अजीब सी कमरे में वो कैसे आ गई। इसके बाद सीमा ने लाल बटन को दबा दिया। इसके बाद अंदर आ गई एक परी, साफ सुथरी और मुस्कुराते हुए। सीमा ने बोला, लो अब उसने कही, तुम कैसी हो। आखिर वो परी नहीं ही थी, वो तो बस एक डॉक्टर थी। डॉक्टर ने सीमा को एक भी कड़वी दवाई नहीं दी। उन्होंने बस उसका माथा सहलाया, उसका पेट छुआ। उसने कहा, बेहतर होगा तुम असली फल खाओ, क्ले से बना खाना नहीं। अगर तुमने वो सब नहीं खाया होता तो आज तुमको इस हॉस्पिटल में नहीं जाना होता। सीमा ने सोचा, वैसे ही हॉस्पिटल इतना बुरा नहीं है, सीमा ने सोचा।
थैंक यू।